नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक अध्यापक सावधान हो जाएं क्योंकि अब कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मध्य प्रदेश शिक्षक विशेष समाचार हैं। आप मध्य प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में सरकारी शिक्षक अध्यापक हैं तो आपके लिए यह खास खबर है। ऑनलाइन ट्रेनिंग और शिक्षण में लापरवाह शिक्षकों को नोटिस। मध्य प्रदेश के सभी शिक्षक अध्यापक जरूर देखें क्योंकि अब जो है नोटिस के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन ट्रेनिंग जैसे कि दीक्षा ऐप चल रहा है उसके माध्यम से जो ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है उसमें जो लापरवाह शिक्षक हैं, ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और हमारा घर हमारा विद्यालय जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें काफ़ी शिक्षक जो है स्कूल वास्तव में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फ़ोटो खींच के अपलोड कर रहे हैं, डाल रहे हैं, लेकिन वो जो है ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो वो भी कार्रवाई की जद में आएंगे। उनको नोटिस दिया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आप फोटो भले ना खींचें लेकिन वो फॉर्म आप ज़रूर भरें। और इसकी प्रैक्टिकल वीडियो आपको चाहिए तो हमने वीडियो के पीछे आपसे बोला है, वो कार आप करेंगे तो हम आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियो अवेलेबल कराएंगे। तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए पूरी खबर विस्तार से जान लेते हैं। ये जो है अधिकतर जिलों में इसी प्रकार की समस्या आ रही है, या तो शिक्षकों को मोबाइल चलाना नहीं आ पा रहा या फॉर्म भरना नहीं आ पा रहा, इसलिए उनके लिस्ट में नाम आ रहे हैं और उनको नोटिस जारी हो रहा है। तो चलिए पूरी खबर जान लेते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, 600 शिक्षकों ने ऑनलाइन शिक्षा के भरे अधूरे फॉर्म, 50 से अधिक टीचर ने नहीं दी जानकारी, लापरवाही पर कार्रवाई की तैयारी। चलिए विस्तार से जान लेते हैं, खबर भोपाल से आ रही है। कोरोना संक्रमण के बीच पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग नई नई पहल कर रहा है ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। ऐसे में जिले के सैकड़ों शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर लापरवाही सामने आई है। लगभग 600 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन शिक्षण के फॉर्म अधूरे भरे हैं, वहीं 50 से अधिक शिक्षकों द्वारा एक भी फॉर्म नहीं भरा गया है। यह जानकारी जिला स्तर पर ऑनलाइन शिक्षण मॉनिटरिंग में सामने आई है, जिसके बाद लापरवाही करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। दरअसल कोरोना संक्रमण के दौर में स्कूल नहीं आ पा रहे विद्यार्थियों को शिक्षा से जुड़े रखने के लिए विभाग ने स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई की योजना बनाई है। विद्यार्थियों को ऑनलाइन होमवर्क भेजने और क्लास लेने के साथ उनकी प्रगति भी जांची जा रही है। विभाग की हमारा घर हमारा विद्यालय योजना के तहत शिक्षकों को विद्यार्थियों को घर जाने के साथ प्रतिदिन 5 विद्यार्थियों से फोन पर संपर्क भी करना है। ऑनलाइन शिक्षण के साथ शिक्षकों को 4 तरह के फॉर्म भरकर पढ़ाई की जानकारी देनी होती है, लेकिन इस बीच सैकड़ों शिक्षकों की ओर से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कराना योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहा है। अब ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। नितिन सक्सेना जिला शिक्षा अधिकारी, उनका कहना है कि कई शिक्षक एक या दो फॉर्म नहीं भर पाए। कई शिक्षक ऐसे भी हैं जो एक या दो फॉर्म नहीं भर पाए हैं और वह सूची में आ गए हैं। हालांकि जिन शिक्षकों ने ऑनलाइन शिक्षण में वाकई में लापरवाही बरती है उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो हमारा घर हमारा विद्यालय है, मोबाइल से आप घर पे फोटो खींच खींच के डाल रहे हैं लेकिन ऑनलाइन नहीं फॉर्म भरेंगे तो आप पे कार्रवाई होनी है। मतलब इस प्रकार से प्रत्येक जिले से जो है लापरवाह शिक्षकों की सूची निकाल करके उनको पहले नोटिस जारी किया जा रहा है, फिर उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे को लाइक करें, शेयर करें। और फॉर्म कैसे भरना है, किस प्रकार से कार्य करना है, इसकी यदि आप प्रैक्टिकल वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अधिक से अधिक कमेंट्स आएंगे, यानी कि लाइक का 90% यदि कमेंट आएंगे तो हम इस पर प्रैक्टिकल वीडियो अवश्य बनाएंगे। इसलिए आप वीडियो को देखें, लाइक करें और नीचे कमेंट्स लिखें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।